हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रणाली। प्रणु अमेरिकन व्लॉग में आपका स्वागत है। आज मेरा वीडियो है जू पे। ये जू का नाम है फ्रैंकलिन जू पार्क। तो चलिए मैं आपको आज दिखाती हूँ अमेरिका में जू कैसे होते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं जू में। तो इसमें पहला सेक्शन है नेचर नेबरहुड का। तो चलिए नेचर नेबरहुड में क्या क्या है देखते हैं। ओह, तो यहाँ पर घास खाने वाले रेड पांडा और आप कह सकते हैं ये मोगली का दोस्त कीची है और उनके साथ में बार्किंग डियर भी है, उसको हिंदी में काकड़ बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये पिंजरे में क्या है देखते हैं। ओह, यहाँ पर तो पानी में रहने वाले बर्ड्स रखे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे बर्ड्स हैं। कुछ बर्ड्स पानी में हैं और कुछ बाहर हैं। तो चलिए अब हम नेवलोंग के पास चलते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं और मेरे फ्रेंड्स भी हैं। आप देख सकते हैं नेवले कितने अच्छे से खेल रहे हैं, उनके बेबी भी उनके साथ में है। कुछ नेवले खाना खा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डोंकी है, दो दो डोंकी है और इनको पोल्टू डोंकी करके नाम है। एक डोंकी तो पूरा सोच में है। अभी हम उसके पास में नहीं जा सकते हैं क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ रहा है। वाओ, आपने कभी ब्लैक कलर के फ्लावर्स देखे? वाओ, ये तो वेलवेट के फ्लावर्स है। रेड पांडा, ये तो छोटा सा गार्डन है। आप बहुत अच्छे फ्लावर्स यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, अलग अलग शेड्स के फ्लावर्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे है जीराफ है और साथ में जेब्रा भी रखा हुआ है। जेब्रा आप देख सकते हैं खाना खा रहा है वो। और वो जो जीराफ है जो आप देख रहे हैं, बड़ा वाला जो है 17 फीट का है और छोटा वाला 16 फीट का है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे से वो चल रहे हैं। इनको खाना भी खिला सकते हैं लेकिन कोरोना के वजह से वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कंगारू है। वाओ, कंगारू
कंगारू। बाय कंगारू। ये जो आप देख रहे हैं ये इमू है, ऑस्ट्रेलियन इमू, मोस्टली ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं इमू। वेरियस टाइप्स के बर्ड्स हैं। अलग अलग कलर है। ये मोर जो है बहुत अच्छे से आराम कर रहा है। जनरली यहाँ पे जब आते थे हम लोग पहले तो मोर को हाथ लगा सकते थे, लेकिन अभी COVID-19 के वजह से इन्होंने सब बंद करके रखा हुआ है। देखिए कैसे आराम से लेटा हुआ है मोर। कम 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 हाँ कम कम जो बर्ड आप देख रहे हैं उसका नाम है किया नेस्टोर नोटाबिलिस। ये जनरली वुड कट करता है, देख सकते हैं आप लोग, ट्राई भी कर रहा है वो। जा रहे हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, तो ये बर्ड्स की तरफ जाने के लिए बहुत अच्छी छोटी सी ट्रेल बनाई हुई है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। बर्ड्स की आवाज भी आ रही है। वल्चर का हाउस तो दिख रहा है, शायद वो अंदर है अपने घर के। यहाँ पे बहुत जगह जगह पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, क्योंकि ये एनिमल्स बाइट भी करते हैं। जो है बेयर टापिर है, आप देख सकते हैं वो पानी में बैठा हुआ है। ये जनरली 25 to 35 इयर्स तक जिंदा रह सकता है। ये जो आप देख रहे हैं वो कैमल्स है। ये सीजन के हिसाब से इनके बाल चेंज होते हैं। यहाँ पे दिखाए हुए हैं विंटर में कैसे दिखते हैं और स्प्रिंग में कैसे दिखते हैं और समर में कैसे दिखते हैं। वो जो आप देख रहे हैं उसका नाम है कोरी। ये एक प्रकार का बर्ड है। दो बर्ड यहाँ पे रखे हुए हैं, एक ये साइड में है और वो एक है। वो जो आप देख रहे हैं वो अफ्रीकन बर्ड टॉर्टोइज है और ये 1.5 feet to 2.5 feet तक बढ़ता है। अभी हम जा रहे हैं जंगल का राजा देखने। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पर है वो। रहा
दो दो है। आप देख सकते हैं कैसे आराम से लेटी हुए है। सच में ये जंगल का राजा है। बहुत अच्छे से करवटे बदल रहा है। तो जनरली यहाँ के जू जो होते हैं वो बड़े बड़े यहाँ पे कांच लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं मोटा सा कांच है यहाँ पे। जनरली इंडिया में ऐसे कांच नहीं होते हैं, केज होते हैं। वहाँ से आप जो प्राणी रखे हुए रहते हैं उनको देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कांच है उनके वजह से आपको अच्छे से व्यू मिल जाता है। आप अच्छे से देख सकते हो। और यहाँ पे जो है बच्चे आके खेलते हैं, तो बच्चों को खेलने के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है। और यहाँ पे है एक छोटा सा म्यूजियम टाइप बनाया है उन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइना और अफ्रीकन लेपर्ड, उनके दांत कैसे होते हैं, और ये अफ्रीकन वाइल्ड कल्स रखे हुए हैं। तो ये एक छोटा सा म्यूजियम भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये यहाँ पे भी है, ये जो है ये जेब्रा का है और ये 1997 से है। यहाँ जेब्रा का आप पास से देख सकते हैं यहाँ के उनके दांत कैसे होते हैं। चलिए अभी दूसरा कुछ देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है डायनासोर की हड्डियाँ रखी हुई है। तो ऐसे डेकोरेटिव म्यूजियम यहाँ पे आप देख सकते हो। जो है थोड़ा सा जंगल सफारी वाला व्यू रखा हुआ है। यहाँ पे कार रखी हुई है और यहाँ पे बैठ के आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आप सिम्बा को देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा नेचुरल व्यू यहाँ पे उन्होंने बना के रखा हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं टाइगर देखने के लिए। तो चलो मैं आपको अभी टाइगर दिखाती हूँ। यहाँ पे आप टाइगर देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से आराम कर रहा है। जो टाइगर है ये बंगाल से लाया हुआ है। आप देख रहे हैं वहां पे जंगली सुअर है। आप देख सकते हैं डायनासोर की हड्डियां रखी हुई है। लेट्स गो सी यहाँ। यहाँ पर जो है एक छोटा सा म्यूजियम बनाया हुआ है और वहाँ पे हाथी के दांत रखे हुए हैं। तो ये म्यूजियम के जरिए वो लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हाथी के दांत से जो लोग ज्वेलरी बनाते हैं उसके वजह से हाथी की संख्या कम हो रही है। तो इसलिए वहाँ पे सजेस्ट किया है कि प्लीज़ ऐसे कुछ हाथी के दांत से मत बनाइए, क्योंकि हाथियों की संख्या बहुत कम हो रही है। तो यहाँ के जू में ऐसा बहुत अच्छा सा कुछ संदेश भी मिलता है। सिर्फ देखने के अलावा बहुत कुछ सीख भी आप लोगों को मिल सकती है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ की, जू के जरिए कुछ संदेश भी ये लोग देना चाहते हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे एक कैफे भी है। जो लोग यहाँ पे जू देखने के लिए आते हैं उनके लिए वहाँ पे स्नैक्स मिलते हैं और ड्रिंक्स भी मिलते हैं। हमने भी ड्रिंक्स खरीदा है। तो गाइज ये था आज का मेरा जू का वीडियो। ऐसे होते हैं अमेरिका में जू। कैसे लगा आपको?
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।